व्याकरण मॉडल सवाल जवाब का हम लोग 6 तक कर लिए थे, 7वां स्टार्ट करते हैं। निम्नांकित वाक्यमन में से कौन वाक्य शुद्ध नहीं है? ऑप्शन मोय मोहन कर मदईत करीला, रौरे मन पढ़ीला, मोय दूध पियोना, सूरज पश्चिम में डूबेला। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ए, मोय मोहन कर मदईत करीला। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित में से कौन वाक्य शुद्ध नहीं है? ऑप्शन ऊ मने का करे लाइक हैं, तो एक का खाथीस, ऊ मन कहिया खेल जाबी, ऊ सुतल है। सेकेंड का आंसर हो जाएगा सी, ऊ मन कहिया खेल जाबी। क्वेश्चन नंबर 3, हेठे लिखल वाक्यमन में से कौन एक ठो वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन से उमन सोमार के जाय लाइगर, ऊ का करे लाइग है, संगीता कहिया आबस, ऊ मन कहिया खेले जाबे। 3 का आंसर हो जाएगा सी, संगीता कहिया आबस। क्वेश्चन नंबर 4, हेठे कर वाक्यमन मनक क्रियामन में कौन वाक्य कर क्रिया सकर्मक नहीं है? ऑप्शन कृष्णा छगरी मन के चरालक, मोहन गाड़ी चलाते आलक, तो किताब पढ़त हिस, जितेंद्र जायला। 4 का आंसर हो जाएगा डी, जितेंद्र जायला। क्वेश्चन नंबर 5, हेठे कर वाक्यमन मनक क्रियामन में कौन वाक्य कर क्रिया अकर्मक नहीं है? ऑप्शन मोय लिखत हो, ऊ हसत है, ऊ चलात है, तो किताब पढ़त हिस। 5 का आंसर हो जाएगा डी, तो किताब पढ़त हिस। क्वेश्चन नंबर 6, के कौन कारक कर विभक्ति है नागपुरी भाषा व्याकरण में? ऑप्शन से संबंध कारक, अपदान कारक, कर्म कारक, करण कारक। 6 का आंसर हो जाएगा सी, कर्म कारक। क्वेश्चन नंबर 7, ले से नागपुरी व्याकरण कर कौन कारक का विभक्ति है? ऑप्शन अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक। 7 का आंसर हो जाएगा ए, अपदान कारक। क्वेश्चन नंबर 8, लगिन ले के नागपुरी व्याकरण कर कौन कारक का विभक्ति है? ऑप्शन अपदान कारक, संप्रदान कारक, करण कारक या संबंध कारक। 8 का आंसर हो जाएगा बी, संप्रदान कारक। क्वेश्चन नंबर 9, क कर केर नागपुरी भाषा व्याकरण कर मुताबिक कौन कारक कर विभक्ति है? ऑप्शन कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक या संबंध कारक। 9 का आंसर हो जाएगा डी, संबंध कारक। क्वेश्चन नंबर 10, में ऊपर नागपुरी व्याकरण का विभक्ति है अपदान कारक की, संप्रदान कारक की, अधिकरण कारक की या करण कारक की? 10 का आंसर हो जाएगा सी, अधिकरण कारक की। क्वेश्चन नंबर 11, बजरंग गरु उड़ाते आलक वाक्य में कारक कर कौन विभक्ति, कौन भेद कर विभक्ति लुकल है? ऑप्शन कर्ता कारक कर, कर्म कारक कर, संबंध कारक कर या कौनवे कारक भेद कर नहीं? 11 का आंसर बी, कर्म कारक कर। क्वेश्चन नंबर 12, मास्टर उनके सोटा मारलक वाक्य में कौन कारक का विभक्ति लुकल है? ऑप्शन कर्म कारक कर, कर्ता कारक कर, करण कारक या अपदान कारक? 12 का आंसर सी, करण कारक। क्वेश्चन नंबर 13, बुधवा मुर्गा के गोड़े धरलक वाक्य में गोड़े धरलक में कौन कारक का विभक्ति है? ऑप्शन कर्म कारक, करण कारक, अपदान कारक या संबंध कारक? 13 का आंसर होगा बी, करण कारक। क्वेश्चन नंबर 14, बुधवा मुर्गा के रस्सी में कचकचाई के बांधलक वाक्य में रस्सी कचकचाई के भाग में कौन कारक का विभक्ति है? ऑप्शन अधिकरण कारक, करण कारक, कर्म कारक या कर्ता कारक? 14 का आंसर हो जाएगा बी, करण कारक। क्वेश्चन नंबर 15, मोर कहल नी सुनबे होले पछताबे वाक्य में कौन कारक का विभक्ति निहित है? ऑप्शन कर्ता कारक, कर्म कारक या संबंध कारक या संप्रदान कारक? 15 का आंसर सी, संबंध कारक। क्वेश्चन नंबर 16, घरक खर्चा खातिर बगरा काम करूँ वाक्य में कौन कौन कारक कर विभक्ति है? ऑप्शन संबंध और संप्रदान कारक कर, संप्रदान और कर्म कारक कर, कर्म कारक और संप्रदान कारक कर, संबंध और अधिकरण कारक कर? 16 का आंसर ए, संबंध और संप्रदान कारक कर। क्वेश्चन नंबर 17, सतीश ले नगेंद्र बढ़ है कहे वाक्य में कौन कारक का विभक्ति है? ऑप्शन करण कारक, अपदान कारक, संप्रदान कारक या अधिकरण? 17 का आंसर हो जाएगा बी, अपदान कारक। क्वेश्चन नंबर 18, उकर नाव गौरव राजे रहे वाक्य में कौन कारक का विभक्ति है? ऑप्शन कर्ता कारक, कर्म कारक या संप्रदान कारक या संबंध कारक? 18 का आंसर हो जाएगा डी, संबंध कारक। क्वेश्चन नंबर 19, तोहरे अंबा के फेर तेर बैठ रहा वाक्य में कौन कारक का विभक्ति है? ऑप्शन कर्म कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक, ईमन में कोई नहीं? 19 का आंसर हो जाएगा बी, संबंध कारक। क्वेश्चन नंबर 20, कमल घरे आए वाक्य में विभक्ति लुकल है? ऑप्शन संबंध कारक, अधिकरण कारक, अपदान कारक या कर्ता कारक? 20 का आंसर हो जाएगा बी, अधिकरण कारक। क्वेश्चन नंबर 21, गाँव मांझे अखड़ा है में कौन कारक का विभक्ति है? ऑप्शन संबंध कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक या संप्रदान कारक? 21 का आंसर हो जाएगा सी, अधिकरण कारक। क्वेश्चन 22, तो हो वो पगला मधे हिकीस वाक्य में कौन कारक कर विभक्ति है?
ऑप्शंस कर्ता कारक, अधिकरण कारक, अपदान कारक या कर्म कारक। 12 का आंसर है बी, अधिकरण कारक। क्वेश्चन नंबर 23, गच्छ में 56 मन बैठे हैं में विभक्ति है। ऑप्शंस अधिकरण कारक की, संबंध कारक की, अपदान कारक की, संप्रदान कारक की। 23 का आंसर है ए, अधिकरण कारक की। क्वेश्चन 24, मरलाहा शब्द में प्रत्यय जुड़ल है, लाहा, आहा, आहा या कोई नहीं। 24 का आंसर है सी, आहा। 25 क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन, गवैया शब्द में जुड़ल प्रत्यय है, व, वैया, अय्या, इया या या। 25 का आंसर हो जाएगा ए, वैया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसमें 25 क्वेश्चन है, बाकी का 25 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।